अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं बोनलेस फिश। इसको हम ग्रिल करेंगे, आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्पाइसेस इसमें क्या-क्या डालेंगे। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून क्रश चिली, 1/2 टेबल स्पून क्रश धनिया, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने चाट मसाला यूज़ करा है, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, ये हमारे पास अजवाइन है 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून कलौंजी, और हमें चाहिए ये हमारे पास है चिल्ली पेस्ट है हमारे पास 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टेबल स्पून हमारे पास लेमन जूस है, ये हमारे पास कॉर्नफ्लावर है 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून हमारे पास बेसन है। ये हम सब मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फूड कलर है पिंच, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें और नहीं भी चाहें तो नहीं करें। अब हम सब स्पाइसेस को मिक्सअप करते हैं। ये देखिए एक बाउल में आपने सारे मसालों को लेकर सब एक साथ डाल लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हम मिक्स करेंगे, ये मिक्स ज़बरदस्त सा मिक्स कर लीजिए। हाँ जी, ये देखिए मिक्स हो गया। अब आप इसमें ऐड करें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये देखिए हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। अब चिल्ली पेस्ट रह गया है, वो भी आप डाल लीजिए। ये आप चिल्ली पेस्ट डालेंगे। अब आप इसमें कॉर्नफ्लावर और बेसन वो भी ऐड कर दीजिए। ये देखिए भाई, इससे अच्छा सा थोड़ा सा आपके फिश पे क्रंच आ जाएगा। ये देखिए आप इन सबको मिक्स कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको विस्क कर लें। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक पेस्ट सा बन जाए, बहुत गाढ़ा पेस्ट ना हो, नॉर्मल सा। अब हम इसमें पिंच ऑफ फूड कलर डाल लें, 2 to 3 पिंच डाल दीजिए, या जैसा आपको थोड़ा सा अगर डार्क पसंद है तो थोड़ा सा डार्क भी डाल दें, थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्सअप करेंगे और अब आप अपने फिश मैरिनेट करें। देखें ऐसे फिश पे आप मसाला लगाते जाएं और किसी डिश में आप इसको रखते जाएं। ये देखिए ऐसे आप सारी फिश पे मसाला लगा दीजिए, वन बाय वन करके अच्छे से इसको कोट कर दीजिए और इसको मैरिनेशन के लिए 2 to 3 आवर्स आप रख दीजिए। जितनी अच्छी फिश मैरिनेट होगी उतना अच्छा बनेगी। मैं तो ओवरनाइट मैरिनेट करती हूँ, ये हम आज मैरिनेट कर रहे हैं तो हम कल बनाएंगे इसको। अब आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, जब आपके गेस्ट वगैरह आए घर में तो आप निकाल के बना सकते हैं। ये देखिए बचा हुआ मसाला भी आप इसके उस ऊपर डाल दीजिए, अच्छे से ब्रश कर दीजिए। ये देखिए आपकी मैरिनेशन हो गई डन डन डना डन। अब देखिए मैंने इसको ग्रिल करा, आप फिर इसको फ्राई भी कर सकते हैं। ग्रिल पैन में मैं इसको ग्रिल कर रही हूँ। ये थोड़ी सी हमने वेजीज स्टफ फ्राई करी हैं। ये देखिए हमारी फिश रेडी है, हमारा प्लेटर रेडी है। अब हम इसको एंजॉय करेंगे। इसके साथ हमने ग्रीन चटनी एक डिप बनाई है एंड और केचप के आपको साथ। अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।
आपको बताऊंगा।